तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा नौवीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन पेपर टोटली इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहां से आपको बता रहा हूं। देखिएगा यहां पर आपके हाथ में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है इस प्रकार से यहां पर आपको अपने रोल नंबर अंकित कर लेने हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपको कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023 इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिएगा पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8 होंगे। इस प्रकार से आप लोग यहां से इसको देख लेंगे टोटली आपका क्वेश्चन पेपर A to Z इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार से आप सभी को अपने इस पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिया गया है और उसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 लिखे हैं। कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपसे 16 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और समझ लेंगे। नीचे इसके निर्देश दिए गए हैं, आप इस जगह से निर्देशों को पढ़ सकते हो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। पहले नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख लें यहाँ से क्या पूछा गया है। रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिएगा यहाँ से आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लें, देखिएगा आपको इस पेसेज को पूरा पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिएगा हम पेसेज को पढ़ते हैं और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ऑफ। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1789। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो देखिएगा पायलट के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉकपिट। यहां से आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाई। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका आपको उत्तर लिख लेना है पेट्रोल। इस जगह से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा साधन सबसे तेज चलने वाला है, तो ये तो आपको भी पता है, इसमें उत्तर आ जाएगा एरोप्लेन। उसके अलावा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा एज ऑफ साइंस, डी नंबर का। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ऐसे एक और पेसेज इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पेसेज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए यूनिवर्सिटी इन सर्बन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा गया है, वाट वाज मेरीज फादर, मेरी के पिता कौन हैं, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ए प्रोफेसर। मेरी के फादर कौन हैं, ए प्रोफेसर। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, मेरी लेफ्ट पोलैंड। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सो इंटेलिजेंस, इसके लिए उसने पोलैंड को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, मेरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन एडमेटिक एकेडमिक डिसिप्लिन। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा एक कैंसर स्टडी। और आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। देखिएगा डिस्कवर का नाउन बताना है, तो इसका नाउन आपका हो जाएगा डिस्कवरी। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, ये इसका नाउन फॉर्म होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी को देखते हैं जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग समरी को पूछा जाना है। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी ये जो दी गई है इसका सॉल्यूशन आपको बना के लिख लेना है। वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आता होगा, पर अगर नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। आगे देखिएगा आपसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई है। तो देखिएगा बाकी जो आपकी ग्रामर है यहाँ तक की, इन सभी के लिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके ऊपर क्लिक कर लें, आप सभी को वहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, आपके सेक्शन सी को देखते हैं जिसमें कि आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। ग्रामर का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से कर लेना है, तो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा द, पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको द भर लेना है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है एनी। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा एन। और इसके अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना गो।
और इसके अलावा पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो इसमें लिख लेना आपको मेनी, पाँचवें में आपका मेनी आ जाएगा और छठे में आपका क्या आ जाएगा हैव, इसमें आपको हैव लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इसको पूरा नोट कर लें और आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड आपसे पूछे जाएंगे और सेक्शन सी को हल करते हैं जिसमें कि लिटरेचर सेक्शन है पूरा। तो देखिएगा इसमें किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर आपका सी नंबर का होगा इन हिज हाउस। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा आपका होनेस्ट। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का ए क्लीन हैंकी। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें ए क्लीन हैंकी। चौथे नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर आपका आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें जिसमें कि एक पैसेज आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा और इसके उत्तर आपको लिखकर बताने हैं। तो देखिएगा पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका सी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख लें पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर सी होगा और उसके अलावा दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, ये भी आपका सी होगा। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो देखिएगा इसका उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे। आप इसके बी वाले भाग को देखते हैं, ये दसवें नंबर के क्वेश्चन का बी वाला भाग है। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी नंबर का, रेन ऑन द रूफ। अगला क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। तो देखिएगा ब्लिस का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा उसका अपोजिट हो जाएगा ऑन पिलो, ये आपको लिख लेना हावर। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में ये प्रश्नोत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ये आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन लिखे हैं। आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन बना के लिख लें। टोटली आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें।